इस क्वेश्चन में, आपको e की पावर x क्यूब दिया गया, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, जब भी आप x की वैल्यू प्लेस करोगे तो क्यूब ऑपरेट करेगा, ठीक है। उसको जो भी x की वैल्यू सपोज 2 रखेंगे आप, तो 2 का पहले क्यूब होगा, मतलब 8 हो जाएगा। जब 8 आ जाएगा तो वो e की पावर उसको ऑपरेट करेगा, मतलब e की पावर 8। तो ये सीक्वेंस है फंक्शन का, या यूं कहें ये चेन है फंक्शन की। सबसे आउटर फंक्शन आपका e हो गया, इनर फंक्शन आपका क्यूब हो गया, और इनर फंक्शन ये आखिरी इनर फंक्शन है, ठीक है, जो x का फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर x क्यूब। अब x क्यूब जो सबसे आउटर फंक्शन है, उसके अंदर वाली सारी चीजों को हम लोग u एज्यूम कर लेते हैं, तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x क्यूब, और ये y क्या हो जाएगा आपका, e की पावर u। अब y जो है आपका u का फंक्शन हो गया, और जो u है x का फंक्शन हो गया, तो y को हम u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, d बाई डी यू ऑफ दैट इज इक्वल टू d बाई डी यू ऑफ e टू द पावर u। e टू द पावर u का e टू द पावर u ही होता है, ठीक है, लेकिन u हमारा जो है डमी वेरिएबल है, तो इसको हटाएंगे जो ओरिजिनल वेरिएबल से। ओरिजिनल वेरिएबल क्या है हमारा, x क्यूब है, तो u को रिप्लेस कर देंगे x क्यूब से, तो दैट इज x क्यूब, तो दैट विल बी dy by du, से दैट इज फर्स्ट रिजल्ट। अब u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दैट इज du by dx, दैट इज d by dx ऑफ x क्यूब, और x की पावर n, nx n माइनस 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 3x स्क्वायर, ये हो गया आपका du by dx। फाइनली आपको निकालना क्या था, dy by dx, तो सिंस dy by जो dx होता है, ये जितने भी चेन में आ रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर देंगे, dy by du into du by dx, वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 1 से, क्या है e की पावर आपका x क्यूब है into 3x स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका, लिख लेंगे आप 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कभी करेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट करना होता है। बस आपको क्या रिकॉग्नाइज करना होता है, ये चेन रिकॉग्नाइज करनी होती है कि आउटर फंक्शन क्या है, जस्ट इनर फंक्शन क्या है, तो ये आपको चेन रिकॉग्नाइज करनी होती है। डायरेक्ट कैसे करेंगे आप, ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड प्रैक्टिकली यही आपको अप्लाई करना होता है, क्योंकि ये सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स आते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले e को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और e का डिफ्रेंशिएशन e की पावर जो भी है वो वही रहता है, तो हम लोग लिखेंगे dy by से dy by dx equals to e की पावर का डिफ्रेंशिएशन, वो या पूरा लिख दे रहे हैं d by dx ऑफ e की पावर x क्यूब है, तो यहां पे जस्ट आउटर फंक्शन कौन सा है, e है, तो e का डिफ्रेंशिएशन तो वही रहता है x क्यूब, और फिर अगला इनर फंक्शन डिफ्रेंशिएट होता है x क्यूब। अब ये आपको ऑपरेट करोगे तो चूंकि x का फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा e की पावर x क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स योर आंसर इज 3x स्क्वायर और e की पावर x क्यूब, ठीक, तो दैट इज योर आंसर। ये डायरेक्ट तरीका, इससे भी डायरेक्ट है, ये स्टेप भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब आप e को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वही आ जाएगा आपका e की पावर जो भी था x क्यूब, और जब इस क्यूब को डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो भी इसका अंदर है 3 माइनस 1, मतलब x था तो x रख देंगे, तो ये डायरेक्ट करोगे, ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है।